नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 1 मार्च 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। कृपया वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। टीकाकरण का दूसरा चरण सोमवार की सुबह 9 बजे से कोविन 2.0 पर शुरू हो गए पंजीकरण। कोविड 19 टीकाकरण अभियान का अगला चरण 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और अन्य बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए 1 मार्च से शुरू होगा। कोविन 2.0 पोर्टल पर पंजीकरण सोमवार सुबह 9 बजे से शुरू होगा। नागरिक किसी भी समय और कहीं भी टीकाकरण के लिए पंजीकरण और बुकिंग कोविन 2.0 पोर्टल का उपयोग करके और आरोग्य सेतु ऐप जैसे IT एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकेंगे। मंत्रालय ने कहा कि 1 मार्च को कोविन वेबसाइट पर पंजीकरण सुबह 9 बजे से शुरू होगा। ऐसे सभी नागरिक जो वृद्ध है या 1 जनवरी 2022 को 60 या इससे अधिक आयु के होंगे और ऐसे नागरिक जो 1 जनवरी 2022 को 45 से 59 वर्ष की आयु के होंगे और निर्दिष्ट 20 बीमारियों में से किसी बीमारी से पीड़ित है भी पंजीकरण के लिए पात्र है। खबर आपसे जुड़ी हुई, करदाताओं को बड़ी राहत, 31 मार्च तक बड़ी बार से GST रिटर्न भरने की समय सीमा। सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए माल एवं सेवा कर GST का वार्षिक रिटर्न भरने की समय सीमा रविवार को 31 मार्च तक बढ़ा दी। ये सरकार द्वारा दिया गया दूसरा विस्तार है। पहले ये समय सीमा 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दी गई थी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समय सीमा के भीतर रिटर्न भरने में करदाताओं को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर सरकार ने 2019-20 के लिए GST रिटर्न 9 और GST रिटर्न C भरने की समय सीमा और बढ़ा दी है। समय सीमा में ये विस्तार चुनाव आयोग की मंजूरी के साथ किया गया है। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन हंगामे के आसार। हिमाचल विधानसभा बजट की कार्यवाही 2 दिन के अवकाश के बाद सोमवार दोपहर बाद शुरू होगी। बजट सत्र के पहले दिन सामने आए घटनाक्रम के बाद सदन का माहौल गर्माने के पूरे आसार है। सूत्रों की माने तो विपक्षी 5 विधायकों के निलंबन और उन पर हुई FIR के मामले में विपक्ष आक्रामक रुख अपनाते हुए सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास सदन में करेगा। सूचना के अनुसार सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देंगे। गौरतलब है कि बजट सत्र के पहले दिन सामने आया मामला तूल पकड़ चुका है। इसके तहत दोनों दलों भाजपा और कांग्रेस द्वारा एक दूसरे को पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ऐसे में सदन के अंदर तल्खी देखने को मिल सकती है। सूचना के अनुसार सोमवार दोपहर 1 बजे के आसपास विधायक दलों की बैठक होगी। विधायक सुखविंदर सिंह सुक्कू ने कहा कि सदन की कार्यवाही में विपक्ष के विधायक हिस्सा लेंगे या नहीं, ये विधायक दल की बैठक में ही तय होगा। CM जयराम ने दून विधानसभा क्षेत्र में किए करोड़ों के उद्घाटन व शिलान्यास। औद्योगिक क्षेत्र BBN में आमजन को बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध करवाना हमारा लक्ष्य है। उक्त शब्द मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दून विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान कहे। मुख्यमंत्री ने दौरे के दौरान 29 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने बरोटी वाला बटेड गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला रखी। बद्दी में इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल, कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर, दून विधायक परमजीत पम्मी, पूर्व विधायक KL ठाकुर व जिला अध्यक्ष आशुतोष बैद सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सुक्कू ने सरकार पर साधा निशाना। डिप्टी स्पीकर व मंत्रियों पर दर्ज हुआ FIR। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन हुए हंगामे पर विधायक एवं पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्कू ने सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में एक तरफा कार्यवाही करते हुए विपक्ष के 5 विधायकों को निलंबित किया गया, जबकि अमर्यादित आचरण तो डिप्टी स्पीकर व अन्य कुछ मंत्रियों ने कांग्रेस विधायकों के साथ किया। वे शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। सुक्कू ने कहा कि धक्का मुक्की करने वाले मंत्रियों और डिप्टी स्पीकर पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि अमर्यादित आचरण करने वाले डिप्टी स्पीकर मंत्रियों सहित भाजपा नेताओं पर FIR दर्ज होनी चाहिए। सुखविंदर सुक्कू ने कहा कि सरकार ने अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए विपक्ष के 5 विधायकों को निलंबित करवाया है। बजट सत्र में महंगाई, कोरोना काल में भ्रष्टाचार, पिछले दरवाजे से भर्ती समेत अनेक मामलों में सरकार बेनकाब होने वाली थी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद संवैधानिक एवं गैर राजनीतिक होता है।
वे कांग्रेस के लिए भी बेहद सम्मानित है। महंगाई व अन्य मुद्दों को लेकर धरना दे रहे कांग्रेस विधायकों की बात नहीं सुनेगी। और अब सबसे बड़ी खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड से जुड़ी, लैपटॉप की खरीद टली किसी कंपनी ने नहीं किया आवेदन। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्थानीय सौ मेधावियों के लिए लैपटॉप की खरीद फिर टल गई है। तीसरी बार शिक्षा निदेशालय की ओर से आमंत्रित टेंडर में किसी भी कंपनी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब एक सप्ताह के लिए टेंडर आमंत्रित करने की तारीख बढ़ा दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2018-19 के मेधावियों के लिए लैपटॉप का इंतजार बढ़ता जा रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने चैम पोर्टल के माध्यम से टेंडर आमंत्रित किया है। इससे पहले दो बार किसी भी कंपनी के नहीं आने के चलते शिक्षा विभाग टेंडर प्रक्रिया रद्द कर चुका है। अब तीसरी बार शुरू हुई खरीद प्रक्रिया में भी कंपनियां दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। बीते दिनों टेंडर जमा करवाने की आखिरी तारीख थी, इसमें किसी भी कंपनी ने आवेदन नहीं किया। अब निदेशालय ने एक सप्ताह तक तारीख बढ़ा दी है। स्कूलों में 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों सहित कॉलेजों के विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जाने हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि जल्द ही शैक्षणिक सत्र 2018-19 के मेधावियों को लैपटॉप दिए जाएंगे। बड़ी खबर, एनएचपीसी के 3 अधिकारी और भेल कंपनी का 1 इंजीनियर गिरफ्तार। एनएचपीसी में घपला करने के आरोप में पुलिस ने 3 अधिकारियों और 1 इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। एनएचपीसी के इन 3 अधिकारियों पर आरोप है कि भेल कंपनी के इंजीनियर के साथ मिलकर वर्ष 2018 में एनएचपीसी के सेंज बिहाल स्टोर से 1,23,00,000 रुपए के 58 स्टेटर बार गायब कर दिए थे। किसी को पता ना चले इसके लिए इन चारों ने फर्जी दस्तावेज भी तैयार कर लिए थे। रविवार को इनकी गिरफ्तारी से एनएचपी में हड़कंप मच गया था। और अब आज की हिमाचल प्रदेश की कोरोना वायरस अपडेट। प्रदेश में फिर आए 39 कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में रविवार को 39 कोरोना पॉजिटिव मामले आए। कांगड़ा जिले के उपमंडल धर्मशाला के सिद्धपुर स्थित गायतो मोनेस्ट्री में कोरोना संक्रमण के 21 नए मामले सामने आए। पिछले 4 दिनों में मोनेस्ट्री में 60 बौद्ध भिक्षुओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिसके चलते मोनेस्ट्री और आसपास के क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही सभी प्रकार की आवाजाही व निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई है। केवल आपातकालीन स्थिति में ही लोग वहां आवाजाही कर सकेंगे। सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर गुरदास सिंह गुप्ता ने बताया कि जिला कांगड़ा में रविवार को कोरोना संक्रमण के 26 नए मामले सामने आए, जिसमें से 21 गायतो मोनेस्ट्री के बौद्ध भिक्षु शामिल है। इसके अलावा डाडा सिबा का 1 व्यक्ति, धर्मशाला की सिद्धपुर का व्यक्ति, जिला हमीरपुर की बुजुर्ग महिला, धर्मशाला की महिला और सैन्य स्कूल योर की एक स्टाफ सदस्य कोरोना संक्रमित पाई गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, कोरोना काल में 12 करोड़ का घपला कर गई कांग्रेस। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस ने कोरोना काल में लोगों की सेवा तो दूर, उल्टा कांग्रेस मुख्यालय को 12 करोड़ रुपए का बिल ये कहकर थमा दिया कि उन्होंने दवाइयां, सैनिटाइजर, मास्क, भोजन की किटें लोगों को बांटी। उन्होंने राज्यपाल के साथ हुई घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश की पूरे देश में बदनामी हुई है। पहले लोकसभा, उसके बाद विधानसभा उपचुनाव और अब पंचायत चुनाव में कांग्रेस की हार ने उनके नेताओं की कमर तोड़कर रख दी है। वे अपना संतुलन खो बैठे और राज्यपाल जैसे पद पर आसीन बुजुर्ग के साथ हाथापाई करने पर उतराए। सीएम रविवार को दून के हांडा कुंडी में जनसभा में बोल रहे थे। और अब आज की वेदर रिपोर्ट। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में 3 मार्च से बिगड़ेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 3 से 6 मार्च तक प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। मैदानी और मध्य ऊंचाई वाले भागों में 6 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा। ऊंचाई वाले भागों में भी 2 मार्च तक मौसम साफ रहेगा। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जैसा कि आप में से बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे स्कूलों को लेकर कि एग्ज़ाम आपके होगे कि नहीं होगे 10th और 7th स्टैंडर्ड के, तो जो जैसे आपको बताया कि डेट से रिलीज कर देगी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से, और उसी के अनुसार उसी डेट शीट के मुताबिक आपके एग्ज़ाम होगे। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर है। कृपया वीडियो को लाइक करें और अगर आपका सवाल है कोई तो कमेंट में आप ज़रूर हमें बताएं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।